भाइयों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। भाइयों मैं आपको हेडलाइट से रिलेटेड एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ मकैनिक भाई हमारे जो हैं गलत हेडलाइट की वायरिंग जोड़ देते हैं बाहर मार्केट में। उससे रिलेटेड मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो हेडलाइट की कपलर जो है बल्ब वाला हमारा अगर जल जाता है तो उसकी किस तरह से वायरिंग सही तरीके से जोड़नी है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पूरा रिव्यू किस तरह से जोड़ा जा रहा है। भाइयों ये हमारा कपलर है हेडलाइट वाला, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तीन पॉइंट होते हैं, सबसे ऊपर वाला ये ऊपर होता है। ये हमारा एक पॉइंट जल गया है जिसके कारण हमारा हेडलाइट का बल्ब प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसको खोल करके किस तरह से कहाँ पर कौन से तार लगे होते हैं और किस तरह से हमको किस तरह से जोड़ना है। देखिए भाइयों हम इसके लॉक लगे हुए हैं तीन चार, इसको खोल दिया है मैंने। भाइयों आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला का तार है ये यहाँ से होकर जो है साइड में इधर आया हुआ है। तो हमें जो मार्केट से जो कपलर 150-200 रुपये का आता है उसको हेडलाइट वाला लेकर के सबसे ऊपर वाले तार में मुझे देखना है कि लेफ्ट राइट में सबसे ऊपर वाले में जोड़ देना है ऊपर वाले का तार। फिर ये देखना है कि लेफ्ट में जो तार लगा हुआ है उसको, ये काला ब्लैक लगा हुआ है उसको लेफ्ट में जोड़ देना है, बाकी हमारा एक वायर बचेगा उसको वहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है भाइयों, और हमें नया अगर बल्ब ख़राब है तो बल्ब नया बदल देना है। इस तरह से हम वायरिंग को अच्छे से जोड़ देंगे और हमारा बल्ब प्रॉपर काम करने लगेगा। कि भाइयों कपलर खोलने के बाद ही मुझे पता चलता है भाई हमारे क्या करते हैं, बिना कपलर खोले अंदाजे से जो तार जोड़ देते हैं जिसके कारण हमारा लो बीम हाई बीम प्रॉपर नहीं जलता है। ठीक है भाइयों, मैंने इसको खोल करके आपको व्यू दिखाया कि कहाँ पर कौन से तार किस तरह से मुड़ के आए हुए हैं और मुझे इसे खोल करके कनेक्शन करने हैं देख करके सही से। ठीक है भाइयों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जल्द ही मैं ऑटोमोबाइल के नेक्स्ट वीडियो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो छोटे छोटे वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू भाइयों। सो गाइस हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो है हमारा होल्डर जो मार्केट से परचेज करेंगे वो किस तरह का होगा और जो है आपको उसको पैकिंग दिखाने वाले हैं। ये हमारी पैकिंग है उसकी, ये होल्डर है दोस्तों, ये इसकी MRP इसमें लिखी हुई है 50-60 रुपये लिखी हुई है दोस्तों, 50 से 60 रुपये का आपको मिल जाएगा आसानी से। सो गाइस हमें ध्यान रखना है कि जो जला हुआ कपलर हम उसको खोल फेंकना नहीं है काट करके, उसको खोल करके हमें देखना है चारों तरफ से, उसमें लॉक लगे होते हैं, खोल करके उसको देखना है कि कौन सा तार हमें किधर से आया हुआ है, वो गोल गोल तार घूम के आए होते हैं उसको। सो गाइस देखना है कि कौन सा तार हमें ऊपर का है तो ऊपर हमें जोड़ देना है, कौन सा तार हमारा लेफ्ट साइड का है उसमें लेफ्ट साइड में जोड़ देना है और कौन सा तार राइट साइड का है राइट साइड में जोड़ देना है। दोस्तों उसमें कपलर जो कंपनी के आते हैं उसी भी गाड़ी के हों तो उसमें जो है गोल गोल अंदर से डिजाइन बनी होती है कि आप समझ नहीं पाते हैं और उसको कोई मैकेनिक भाई हमारे जो है उसको काट करके फेंक देते हैं। दोस्तों उसको फेंकना नहीं, उसको खोल करके देखना है वायरिंग किस तरह से किस जैसे आई हुई है और फिर इसको सही से फिटमेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर उसका बल्ब भी अगर जल जाता है, थोड़ा बहुत बल्ब भी पॉइंट वॉइंट ख़राब होता है जल जाता है तो उसको भी हमें चेंज कर देना है। ये दोस्तों ना हमारा नया बल्ब, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा पावर का बल्ब हमें नहीं लगाना है, जो बल्ब आ रहे हैं 90-60 100 वोल्ट 90-60 वही यूज करना है। बल्ब भी आसानी से आपको मिल जाएगा 100-150 रुपये के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये पोजिशन हमारी सबसे ऊपर की रहेगी, तीसरा पॉइंट सबसे ऊपर रहेगा और इस तरह से ये बल्ब हमारा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन ऑल पर जाएं और हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। जय हिंद दोस्तों।